is Lipika and you are watching Outside the Kitchen. Today we are going to Manali. So we have started from right now. We are going to Gurgaon and we'll be picking up Osho from there, and then we'll begin our journey. So let's start the day. One thing I would like to say, I would like to reveal you that I have been suffering from lumbar pain since last week, and because of my back pain I cannot sit for so long. So it's a journey about 15 to 16 hours, and we'll take break. So tonight we'll stay near Chandigarh, and we have booked a hotel for that. And we'll start again tomorrow morning. So this is the latest update because I cannot sit for so long. Guys, यहाँ पे एकदम मतलब हम लोग NCR में जो लोग रहते हैं उनको पता होगा कि हम लोग किस क्राइसिस के दौरान गुजर रहे हैं. तो यहाँ पे नो सनलाइट, नथिंग. विंटर का जो मज़ा है वो नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत गुड़गांव में आके मतलब अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत सनलाइट मिल रही है. एंड जर्नी करने में अगर ऐसा वेदर रहा तो जर्नी करने में अच्छा लगेगा. तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. चलो, ऐसा होना चाहिए ना. सुन रही हूँ कि अभी का जो वेदर फोरकास्ट हम लोग देखे हैं तो वहाँ पे जाके थोड़ा बहुत क्लाइमेट अलग सा मिलने का चांस है. तो दिस इज़ फर्स्ट वीक ऑफ डिसम्बर, सो वी कैन गेट स्नोफॉल्स एज वेल. सो एक्चुअली आई हैव बीन इन दिस काइंड ऑफ क्लाइमेट अर्लियर, but I never been in Manali before, so this is the first time I'll visit Manali, and I'm quite excited for that. So let's see what will happen. वेज ढाबे में आए हैं, थोड़ा बहुत कूलर की चाय पी रहे हैं. तो अभी 7 बज गया है, तो 9 बजे से पहले हम लोग डिनर नहीं करेंगे. ओशो से हाय. हेलो. तो हम लोग अभी चाय पीने के बाद फिर से ट्रैवल करेंगे. सोचे थे कि हम लोग रुक जाए एक जगह पे, तो एक होटल भी बुक किए थे, लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि मेरे लिए रुकना था. एक्चुअली मेरा हेल्थ कंडीशन कुछ ठीक नहीं है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि क्यों रुके, थोड़ा बहुत सोते सोते चले जाएंगे तो मनाली जल्दी पहुँच जाएंगे. तो इसी कारण मैं रोमित को इंसिस्ट कर रही हूँ कि ना रुके चंडीगढ़ में. तो देखते हैं क्या होता है. लेट्स सी, विल अपडेट यू.
कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन. Hopefully. But right now we are facing a lot of problem while traveling. So see the conditions of the roads. I'm driving the Mars rover on Mars. This is Bias River. Just look at the river Bias, and this is the scenic beauty of Kullu. We are just about to reach Kullu, and from there we need to go another 40 kilometers for Manali. So see the beauty. ঘন্টার উপরে জার্নি করছি, 20 ঘন্টার উপরে একজন ড্রাইভ করে যাচ্ছে, যা টায়ার্ড হয়েছিলাম একদম সব ভুলে গেছি. পেছনে অশো, আমরা এখন প্রায় এসে গেছি মানালি, জাস্ট 25 মিনিটস বাকি আছে. তো
আমরা তিনজনই ভূতের মতো লাগছি, বাট আমাদের জার্নিটা সাকসেসফুল। কেন কি আসতে পারবো না ভেবেছিলাম, যে শেষ পর্যন্ত আসতে পেরেছি। অ্যান্ড মানালিতে পৌঁছে যা ভিউ পেয়েছি বা দেখেছি, তারপরে আমার সব শরীর খারাপ, সব হেলথ ইস্যুস সব ঠিক হয়ে গেছে। Even to the last minute, we were like almost cancelling because of Lippy's back pain. But then we said, no, let's go, let's take the risk. It was worth it. So, chalo. होटल रीच किए तब क्या कितना बजा होगा, 8:30 बजे। हाँ, हम लोग बहुत रुक के आए थे, तो वो सब क्लिपिंग्स तो आपको आप देख चुके हैं। तो बहुत ही मतलब एक अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। एंड होटल आने के बाद हम लोगों का एक मतलब बहुत प्रॉब्लम हो गया था, एक सूटकेस का वो जो लॉक होता है ना, वो रोमित ने क्या रखा था उन मतलब वो खोल नहीं पा रहे थे लॉक को, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके भी वो नहीं हुआ। उसके बाद हम रोमित को वो लॉक तोड़ना पड़ा। उसके बाद हम लोग फ्रेश हुए, एंड उस टाइम पे मेरा एकदम भी मूड नहीं था कोई मतलब व्लॉग बनाए या शूटिंग करे, आपके साथ शेयर करे। मैं सोची थी कि इवनिंग में आपके साथ बात करेंगे, एंड थोड़ा बहुत लंच करके हम लोग सो गए थे। तो बहुत ही रिमोट प्लेस पे हम लोगों का होटल है, वेरी सिंपल होटल, एंड हम लोग सेकेंड फर्स्ट फ्लोर में है, एंड एकदम हिल टॉप पे है। तो कल से नया कुछ बनाएंगे, एंड जहाँ जहाँ घूमेंगे आपके साथ शेयर करेंगे एकदम। और एक 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 बदमाश को देखिए क्या कर रहा है। देखिए ठंडा बहुत लग रहा था, तो पहले आते ही मतलब ऐसा हुआ था कि हम लोग मतलब इतना कोल्ड था कि हम लोग मतलब अनबेरेबल था, लेकिन अभी तो देख ही रहे हैं एकदम मस्त, एकदम वी आर फीलिंग एकदम क्या बोलूँ उसको, मस्त। एंड अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहा। डिनर इसे गए बटर चिकन, তারপরে এটা কি যেন কী অর্ডার করা হলো, মশালা চিকেন, তারপরে হচ্ছে তন্দুরি, বাটার তন্দুরি রুটি। এই যে আমাদের রোমিত খাচ্ছেন, ঘরের অবস্থা ভীষণ খারাপ, আমি তোমাদের দেখাতে পারবো না। এই যে অশুবাবু খাচ্ছেন, আর এটা আমার, আমিও খাওয়া স্টার্ট করিনি, ভীষণ বাজে অবস্থা, এখন তোমাদেরকে দেখাতে পারছি না। আমরা এবার খাওয়া দাওয়া ফিনিশ করি, খেয়ে ঘুমোবো, কালকে থেকে আবার ব্লগ তৈরি করবো। तो हम लोग का डिनर हो रहा है अभी, तो डिनर हो जाने के बाद हम लोग सो जाएंगे, कल सुबह निकलना है। तो किसी भी कारण अगर आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड कमेंट करके बताइएगा कैसे लग रहा है। थैंक यू सो मच।